नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं सुचित्रा। आज महिला फुटबॉल विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें इंग्लैंड और स्पेन आमने सामने हैं। वहीं शतरंज विश्व कप में युवा भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं भारत और आयरलैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का आज दूसरा मैच खेला जाएगा। तो नजर डालेंगे इन सभी खबरों पर। शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम खेल आजकल की। महिला फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन और इंग्लैंड के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। मैच का पहला हाफ स्पेन के नाम रहा, जहां टीम ने खेल के 29वें मिनट में अपनी कप्तान ओल्गा कैरमोना की मदद से गोल दागकर खुद को 1-0 से आगे कर लिया। दोनों ही टीमों के पास पहली बार विश्व कप जीतने का मौका है। तो महिला फुटबॉल विश्व कप का जो है फाइनल मुकाबला जारी है स्पेन और इंग्लैंड के बीच में, और दोनों ही टीमें पहली बार विश्व चैंपियन बनेंगी। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी, बेहद रोचक रहा है ये महिला फुटबॉल विश्व कप का जो संस्करण है, और टीवी व्यूअरशिप के हिसाब से भी देखें तो बेहद कामयाब रहा है अब तक का। हम कह सकते हैं कि महिला फुटबॉल विश्व कप का अब तक का सबसे ये कामयाब संस्करण है। और इस विश्व कप से जुड़े कुछ रोचक आंकड़ों पर हम नजर डाल लेते हैं। जैसे कि हमने बताया, महिला फुटबॉल विश्व कप का ये 9वां संस्करण है और अब तक का सबसे रोचक संस्करण इसे कहा जा रहा है। और इस बार का जो ये महिला फुटबॉल विश्व कप है, आज जो इसका फाइनल है स्पेन और इंग्लैंड के बीच, इतना तय है कि इस बार हमें एक नया चैंपियन मिलेगा महिला फुटबॉल में। और इस बार कोई 5वीं नई टीम इस खिताब को अपने नाम करेगी। इससे पहले 4 ही टीमें विश्व चैंपियन बनी हैं। अमेरिका ने 4 बार महिला विश्व कप जीता है और सबसे सफलतम टीम वो है महिला फुटबॉल में। जर्मनी ने 2 बार, नॉर्वे और जापान ने एक एक बार विश्व कप को अपने नाम किया है। यानी कि अमेरिका, जापान, नॉर्वे के बाद आज हमें कोई 5वीं टीम मिलेगी। जैसे हमने बताया, इंग्लैंड की नज़र पहली बार ये विश्व कप जीतने पर है। इंग्लैंड अगर जीतेगी तो पहली बार विश्व चैंपियन बनेगी। हालांकि पुरुष फुटबॉल में 1966 में इंग्लैंड की पुरुष टीम थी, उसने विश्व कप जीता था। महिलाओं का ये पहला विश्व कप होगा अगर वो आज जीतती हैं तो। और इंग्लैंड की टीम शानदार फॉर्म में है। 13 महीने पहले ही उन्होंने यूरोपियन चैंपियनशिप जीती थी। उसकी कई खिलाड़ी इस टीम में भी हैं, तो उनके पास एक सुनहरा मौका है 13 महीने के अंदर एक और बड़ा खिताब जीतने का। वहीं अगर स्पेन की बात करें तो वो भी पहली बार महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। स्पेन के पास भी मौका है पहला विश्व कप जीतने का, और खास बात यह है कि वो सिर्फ 3री बार महिला विश्व कप में हिस्सा ले रही है। 3री बार हिस्सा ले रही है और फाइनल में पहुंच गई है। और हम कह सकते हैं कि स्पेन के खिलाफ अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पिछले 13 मुकाबलों में सिर्फ 2 बार ही इंग्लैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि पलड़ा रिकॉर्ड्स में इंग्लैंड का भारी है। यूरो 2022 के क्वार्टर फाइनल में भी इंग्लैंड ने स्पेन को हराया था और इंग्लैंड फिर वहां चैंपियन बनने में कामयाब रही थी। तो रिकॉर्ड्स में पलड़ा इंग्लैंड का भारी है। देखना होगा कि कौन सी टीम आज आखिरकार विश्व चैंपियन बनती है। और अब हम बात कर लेते हैं 3रे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले की। स्वीडन ने महिला फुटबॉल विश्व कप में 3रा स्थान हासिल किया। शनिवार को ब्रिस्बेन में खेले गए 3रे स्थान के मैच में स्वीडन ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया। इस शानदार जीत के बाद स्वीडन की टीम ने महिला विश्व कप में 4थी बार कांस्य पदक हासिल किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम विश्व कप में 4थे स्थान पर रही, जो उनका इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया कभी भी क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया था। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सह मेजबानी में हो रहे फीफा महिला विश्व कप को फुटबॉल प्रेमियों का जमकर समर्थन मिल रहा है। वहीं फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी फीफा की माने तो इस विश्व कप से अब तक रिकॉर्ड $570 मिलियन से अधिक का राजस्व अर्जित हुआ है। फीफा प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो का कहना है कि इस विश्व कप की लोकप्रियता ने महिला फुटबॉल को लेकर आलोचकों द्वारा किए गए पूर्वानुमानों को गलत साबित कर दिया है।
महिला फीफा विश्व कप 2023 अब अपने अंतिम दौर में है। इस बार खेल प्रेमियों को महिला फुटबॉल में एक नया चैंपियन मिलने जा रहा है। रविवार को खिताबी मुकाबले में पहली बार पहुंची यूरोप की दो दिग्गज टीम इंग्लैंड और स्पेन आमने सामने होंगी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सह मेजबानी में हो रहे इस विश्व कप को अब तक फुटबॉल प्रेमियों का जमकर समर्थन मिला है। मौजूदा विश्व कप को महिला फुटबॉल के इतिहास का अब तक का सबसे सफल विश्व कप माना जा रहा है। फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी फीफा का कहना है कि इस विश्व कप से अब तक रिकॉर्ड $570 मिलियन से अधिक का राजस्व अर्जित हुआ है। फीफा प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 2015 संस्करण की तुलना में मौजूदा संस्करण ने 10 गुना अधिक की कमाई की है। इस विश्व कप की लोकप्रियता ने महिला फुटबॉल को लेकर आलोचकों द्वारा किए गए पूर्वानुमानों को गलत साबित कर दिया है। हमने कहा है कि फुटबॉल दुनिया को एकजुट करता है, लेकिन हमें और अधिक काम करने की जरूरत है। हमें पैसे के बारे में भी थोड़ा बोलना होगा। हमने निश्चित रूप से योगदान और $152 मिलियन तक की धनराशि के पुरस्कार में वृद्धि की है। खैर, यह 2015 में वैश्विक पुरस्कार राशि से केवल 10 गुना अधिक है। महिला और पुरुष टीमों के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे सर्विसेज की बात करें तो दोनों समान हैं। हालांकि इसकी लागत बहुत अधिक है। हमने सोचा था कि अगर हमें सब्सिडी देनी होगी तो हम सब्सिडी देंगे, लेकिन हमने इस विश्व कप में $570 मिलियन से अधिक की आय अर्जित किया है। हमें कोई घाटा नहीं हुआ है। हमने किसी भी खेल में दूसरी सबसे अधिक आय अर्जित की है। फीफा प्रमुख का कहना है कि महिला विश्व कप का 9वां संस्करण लोकप्रियता और खेल के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ी प्रतियोगिता रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संस्करण में पुरस्कार राशि बढ़ाने और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों को 24 से बढ़ाकर 32 करने का उनका निर्णय सही रहा। हमने खेल को विकसित करने में $1 अरब का निवेश किया। दुनिया भर में खेल को विकसित करने में महिलाओं के खेल को विशेष रूप से लक्षित किया गया। इसके लिए COVID-19 के बावजूद महिला फुटबॉल टीम बनी रही। हमने फ्रांस में विश्व कप में भाग लेने वाली टीमों की संख्या 24 से बढ़ाकर अब 32 करने का फैसला किया है। मुझे याद है जब हमने ऐसा करने का फैसला किया था, निश्चित रूप से सामान्य आलोचक जो वैसे तो कम से कम है लेकिन अभी भी कुछ हैं, वे कह रहे थे ठीक है, यह काम नहीं करेगा, स्तर बहुत अलग है। मुझे खेद है लेकिन फीफा सही था। जैसा कि पिछले वर्षों में अक्सर होता है, फीफा एक बार फिर सही था। फीफा अध्यक्ष ने महिला फुटबॉल खिलाड़ियों से अपील करते हुए कहा कि आप में बदलाव करने की शक्ति है, आप सपने देखते रहें और फुटबॉल के विकास के लिए हर स्तर पर प्रयास करते रहें। आप जानते हैं कि मेरी 4 बेटियां हैं, इसलिए मैं सभी महिलाओं से कहता हूं कि आपके पास बदलने की शक्ति है। सही लड़ाई चुनें। आपके पास बदलने की शक्ति है। आपके पास हमें समझाने की शक्ति है। दोस्तों, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, आप इसे करें मेरे साथ, फीफा के साथ। बस दरवाजे को धक्का देने की जरूरत है, आप इसे खुला पाएंगे। बस दरवाजे को धक्का दे, वे खुले हुए हैं। और इसे हर देश में, महाद्वीप स्तर पर, हर परिसंग में, राष्ट्रीय स्तर पर भी करें। बस धक्का देते रहें, गति बनाए रखें, सपने देखते रहें और आगे बढ़ें। फीफा प्रमुख इन्फेंटिनो ने महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी करने वाले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर सवाल उठाने वाले आलोचकों को भी घेरा। उन्होंने कहा कि फीफा के मौजूदा सीजन की सफलता ने आलोचकों को आईना दिखाने का काम किया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो फुटबॉल, महिला फुटबॉल विश्व कप का फाइनल मुकाबला जारी है। स्पेन ने 1-0 की बढ़त बना रखी है 81वें मिनट तक। तो आखिरी के कुछ मिनट्स बचे हैं, देखना होगा कि इंग्लैंड की टीम वापसी कर पाती है या नहीं। दोनों में से जो भी टीम जीतेगी उसका ये पहला विश्व कप होगा। अब बात कर लेते हैं शतरंज की। शतरंज विश्व कप सेमीफाइनल में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनानंदा और फैबियानो कैरुआना के बीच मुकाबला जारी है। शनिवार को सेमीफाइनल के पहले गेम में 18 साल के प्रगनानंदा ने अमेरिका के अनुभवी खिलाड़ी कैरुआना को ड्रॉ पर रोक दिया। प्रगनानंदा ने काले मोहरों से खेलते हुए एक कड़े मुकाबले में 78 चाल के बाद अमेरिका के अनुभवी खिलाड़ी को ड्रॉ पर रोका। आज दूसरे दौर का मुकाबला खेला जाएगा जिसमें प्रगनानंदा व्हाइट पीसेस से खेलेंगे और उनके पास एक एडवांटेज रहेगा क्योंकि वो उसमें पहली चाल चलेंगे।
तो इतिहास रचने के बेहद करीब हैं प्रगना नंदा। और इस शतरंज विश्व कप पर अगर हम नजर डालें तो इस संस्करण में शतरंज विश्व कप के भारत ने एक नया इतिहास रचा है। भारत के युवा खिलाड़ियों का इसमें हमें शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। पहली बार चार भारतीय क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही। आर प्रगनानंदा, विदित गुजराती, डी गुकेश और अर्जुन एरिगेसी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले चार भारतीय रहे। और इन चार में भी हम कह सकते हैं कि तीन बेहद ही युवा हैं। अर्जुन एरिगेसी 19 साल के हैं, प्रगनानंदा 18 साल के हैं, डी गुकेश 17 साल के हैं। तो तीन खिलाड़ी जो कि 20 साल के भी नहीं हैं, उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और क्वार्टर फाइनल के रिजल्ट्स को देखें तो डी गुकेश को मैग्नस कार्लसन जैसे दिग्गज के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा क्वार्टर फाइनल में। वहीं विदित गुजराती को लोकल हीरो अज़रबैजान के निजात अबासोव ने शिकस्त दी। ये मुकाबला भी हालांकि बेहद रोमांचक रहा। वहीं प्रगनानंदा और अर्जुन एरिगेसी दोनों क्वार्टर फाइनल में आमने सामने थे, जहां प्रगनानंदा ने एरिगेसी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और प्रगनानंदा ने इतिहास रचा और वो विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले दूसरे भारतीय बने। तो इस शतरंज विश्व कप में एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिला भारत के युवा ग्रैंड मास्टर्स की तरफ से। बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा T20 आज डबलिन के द विलेज में खेला जाएगा। कप्तान जसप्रीत बुमराह की शानदार वापसी से उत्साहित भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे T20 मैच में जीत दर्ज कर तीन मैच की सीरीज में अजेय बढ़त बनाने की कोशिश करेगी। भारत इसके साथ ही बेहतर मौसम की भी उम्मीद करेगा, जिससे कि युवा बल्लेबाजों को अपना कौशल दिखाने का मौका मिले। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए शनिवार को गुरुग्राम में एक कार्यक्रम के दौरान विश्व कप के लिए शुभंकर जारी किया। मैस्कट को युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान ICC अंडर 19 महिला और पुरुष विजेता कप्तान शेफाली वर्मा और यश ढुल भी मौजूद थे। क्रिकेट के क्रेजी देश भारत में इस साल विश्व कप का आयोजन देश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे में इसको लेकर उत्साह भी देखते ही बन रहा है। शनिवार को इस कड़ी में ICC द्वारा क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर जारी किया गया। ये शुभंकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कप्तानों यश ढुल और शेफाली वर्मा की मौजूदगी में गुरुग्राम में जारी किए गए। मस्कट में महिला और पुरुष क्रिकेट का प्रतिनिधित्व करते दो एनिमेटेड कैरेक्टर हैं। वैसे अभी इन मैस्कट्स को कोई नाम नहीं दिया गया है और इनके नाम के चयन का कार्य लोगों पर छोड़ा गया है, यानी 27 अगस्त तक लोगों को इनके नाम को तय करना है। इस बीच अंडर 19 विश्व कप में अपने नाम की धूम मचाने वाले क्रिकेटर यश ढुल और शेफाली वर्मा ने उम्मीद जताई कि ये विश्व कप देश को एक नया आयाम देगा, साथ ही साथ भारतीय टीम का प्रदर्शन भी उम्मीद के अनुरूप रहेगा। इंडिया हमेशा, हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं एंड 100% चांस है। मैं तो हमेशा ही दुआ करती हूँ इंडिया जीते। जो भी अच्छा खेलेगा वही प्लेयर ऑफ द सीरीज बनेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड मैक्स स्कॉट के लिए। मे बी फर्स्ट टाइम है और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि क्या रिवील होंगे नाम। मे बी देख वे भी सू। यह मस्कट पुरुष और महिला विश्व कप दोनों के लिए है। गौरतलब है कि वनडे विश्व कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से देश में होगी और इसका फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को आयोजित होगा। वनडे विश्व कप की मेजबानी देश के 10 शहर करेंगे। इस विश्व कप में वैसे तो भारतीय टीम के हर मुकाबले पर क्रिकेट प्रेमियों की नजर होगी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर लोगों के बीच उत्साह अभी से है। गौरव कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतकर स्वदेश वापस लौटे युवा पहलवानों का दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। चैंपियंस का उनके परिवार के लोगों ने फूल माला और ढोल की थाप के साथ स्वागत किया। इस प्रतियोगिता में भारत के मोहित कुमार ने स्वर्ण पदक, सागर जगला ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय युवा पहलवानों ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत देश का सिर ऊंचा करने का काम किया है।
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की मदद से युवा भारतीय पहलवानों ने जॉर्डन में आयोजित हो रहे अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में करिश्माई प्रदर्शन करते हुए देश के लिए कई पदक जीतने में सफलता पाई। भारत ने पुरुषों के फ्री स्टाइल स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया। इस विश्व चैंपियनशिप में केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाए जा रहे खेलो इंडिया कार्यक्रम से निकले युवा पहलवानों ने शानदार खेल दिखाया। खेलो इंडिया से निकले मोहित कुमार ने 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की, जबकि 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जयदीप ने कांस्य पदक अपने नाम किया। केंद्र सरकार के टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स में शामिल सागर जगलान ने फ्री स्टाइल के 79 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं टॉप स्कीम में शामिल दीपक चहल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। शुक्रवार को भारत लौटने पर इन पदक विजेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले मोहित कुमार ने अपने प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए भविष्य में और पदक जीतने की बात कही। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि पहली बार गोल्ड आया, बहुत 3-4 साल बाद गोल्ड आया वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और हमारे कोच साहब का और बहुत ज्यादा योगदान था इस चीज में। आगे ओलंपिक एशियन गेम्स में मेडल जीतना है, यही टारगेट है। ये हमारे कोच साहब गुरु जी जो इन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, उन्हीं को समर्पित करूंगा मैं। ओलंपिक लड़ेंगे जब ओलंपिक गोल्ड का ही टारगेट रहेगा। जॉर्डन में पदक जीत कर स्वदेश लौटे सागर जगलान ने पदक को माता पिता कोच के साथ साथ देश के लोगों को समर्पित किया। सर वर्ल्ड की ट्रायल है, सीनियर वर्ल्ड की ट्रायल, फिर ओलंपिक की सोच है। आप दो दिनों अब क्या तैयारी में लोगे जाके या फिलहाल इसको एंजॉय करोगे? नहीं, तैयारी करेंगे। और ये मेडल किसको समर्पित करना चाहोगे, अपने देशवासियों को? देशवासियों और घर वाले और कोच साहब को मेरे। युवा खिलाड़ियों के लिए सरकार द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाता है। वहीं ओलंपिक जैसी बड़ी खेल स्पर्धाओं में पदक जीतने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। टॉप्स का उद्देश्य एथलीटों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है, ताकि उन्हें ओलंपिक में पदक जीतने में सफलता हासिल हो सके। केंद्र सरकार द्वारा पिछले कुछ सालों से खेलों के बजट में भी अभूतपूर्व वृद्धि की गई है, जिसके बेहतर नतीजे लगातार विश्व पटल पर देखने को मिल रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय कुश्ती किसी एक नाम पर नहीं टिकी है, बल्कि इसमें समय के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अब महिला वर्ग में प्रिया मलिक और अंतिम पंघाल का नाम तेजी से सामने आ रहा है, जो विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। इन दो चेहरों की चमक ने देश में महिला कुश्ती को एक नया आयाम देने की दिशा में तेजी से बड़ा कदम उठाया है। इनमें से एक हैं प्रिया मलिक तो दूसरी अंतिम पंघाल। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली इन दोनों युवा महिला पहलवानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम की ऐसी धूम मचाई है कि अब इनकी चर्चा हर ओर है। प्रिया मलिक की बात करें तो इस युवा पहलवान ने अंडर 20 रेसलिंग की विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 76 किलोग्राम भार वर्ग का फाइनल मुकाबला जीत इतिहास रच दिया। प्रिया ने फाइनल में जर्मनी की लारा सेलिन को 5-0 से हराया और अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। प्रिया ने इससे पहले साल 2017 और 2021 में अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप भी जीती थी। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर, मेरा इस साल का मतलब बाहर का चौथा इंटरनेशनल कंपटीशन था मेरा सर, ये चारों में गोल्ड आया सर, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीत कर सर। वहीं इस कड़ी में दूसरा नाम अंतिम पंघाल का है, जिन्होंने जीत को एक जुनून के तौर पर अपना लिया है। अंतिम पंघाल ने जॉर्डन में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में पंघाल ने यूक्रेन की पहलवान को 4-0 से हराया। इस जीत के साथ अंतिम दो विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। जाने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि मेरा एशियन गेम्स में नाम चला गया, मैंने इसी ने नाम वापस ले लिया इंजरी की वजह से, तो वहाँ पे गई तो मुझे पता चला इसी को इंजरी हुई है, तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, तो मुझे खुशी हुई कि मेरा एशियन गेम्स में हो गया, तो मैंने सोचा मैं इसमें भी अच्छा करूँगी, तो इससे मैं मतलब सभी को योगा भी अच्छा कर रही है तो आगे भी अच्छा करेंगे। जाहिर तौर पर इन दो महिला पहलवानों से अब उम्मीद और भी ज्यादा हो गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पहलवान तमाम बातों से खुद को दूर रखते हुए लगातार सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल कर रही हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
ब्राजील के फॉरवर्ड नेमार फ्रेंच चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन से सऊदी प्रो लीग टीम अल हिलाल में शामिल हो गए हैं। बार्सिलोना के 31 वर्षीय पूर्व खिलाड़ी के लिए यह सौदा लगभग 90 मिलियन यूरो और एड ऑन फी के साथ हुआ है। यूरोपियन फुटबॉल का एक और बड़ा चेहरा सऊदी प्रो लीग का हिस्सा बन गया। ये कोई और नहीं बल्कि ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी नेमार हैं, जो पीएसजी छोड़कर सऊदी क्लब अल हिलाल में शामिल हो गए। दरअसल नेमार नए सीजन के लिए पीएसजी के कोच लुइस एनरिक की योजनाओं का हिस्सा नहीं थे और उनके सऊदी प्रो लीग की ओर जाने के कयास लगाए जा रहे थे। पीएसजी और अल हिलाल के बीच लगभग 90 मिलियन यूरो और एड ऑन फीस के साथ यह डील हुई है। सऊदी मीडिया के अनुसार पीएसजी स्टार नेमार के लिए 2 साल के सौदे पर सहमति बनी है। इस ब्राजीली फॉरवर्ड के अल हिलाल का हिस्सा बनने पर क्लब के प्रशंसकों में खुशी की लहर है। रियाद में अल हिलाल के प्रशंसकों ने कहा कि नेमार के साथ अनुबंध से क्लब की किस्मत में उछाल आएगा। अल हिलाल को वास्तव में नेमार की जरूरत है, जो अल हिलाल मैचों के लिए अपने अनुभव और बढ़ी हुई दर्शकों की संख्या से उन्हें मजबूत करेंगे। साथ ही भविष्य में अल हिलाल के लिए अन्य खिलाड़ियों को साइन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वे नेमार जैसे बड़े नाम को साइन करने में कामयाब रहे हैं। ये एक अच्छी साइनिंग है जिसका अल हिलाल के प्रशंसक इंतजार कर रहे थे। इसका सऊदी लीग और दुनिया भर में सऊदी अरब के नाम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेमार को साइन करना चलन होगा और ये सऊदी लीग में अन्य सभी साइनों से बेहतर होगा। इतिहाद क्लब के पास बेंजमा है, अल नासर क्लब के पास रोनाल्डो है, अल हिलाल का कोई नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि नेमार हमारे साथ जुड़ेंगे। वह एक बेहद कुशल खिलाड़ी है और उनका अल हिलाल पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। नेमार 2017 में 222 मिलियन यूरो की विश्व रिकॉर्ड फीस पर बार्सिलोना से पीएसजी में शामिल हुए थे। उन्होंने पेरिस क्लब के लिए 173 मैचों में 118 गोल किए और 5 लीग वन खिताब सहित कई ट्रॉफियां जीती। वहीं उन्होंने पीएसजी को 2020 में चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंचने में भी अहम योगदान निभाया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। सऊदी प्रो लीग के क्लब अल हिलाल से जुड़कर ब्राजील के स्टार स्ट्राइकर नेमार काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि ये उनके लिए एक नया अनुभव और नई चुनौती है। उनकी कोशिश एशिया के सफलतम क्लब अल हिलाल के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रॉफी जीतने की होगी। ब्राजील के स्टार स्ट्राइकर नेमार भी सऊदी प्रो लीग से जुड़ गए हैं। नेमार ने फ्रेंच क्लब सेंट जर्मेन को छोड़कर सऊदी क्लब अल हिलाल के साथ 2 साल का करार किया है। माना जा रहा है कि नेमार ने सऊदी क्लब के साथ करीब 90 मिलियन यूरो का करार किया है। फ्रेंच क्लब पीएसजी में नेमार ने 6 साल बिताने के बाद क्लब को छोड़ने का फैसला किया। इस दौरान नेमार ने कई घरेलू खिताब अपने नाम किए, हालांकि वो चैंपियंस लीग नहीं जीत पाए। अल हिलाल से जुड़कर नेमार काफी खुश हैं और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में खेलना एक नया अनुभव होगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ, मैं नई लीग से जुड़कर बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे लिए ये एक नया अनुभव और नई चुनौती है। मैं इतिहास लिखने के लिए उत्साहित हूँ, मुझे चुनौतियाँ पसंद हैं। आपको जब इस तरह की लीग में खेलने का मौका मिलता है तो आप और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मेरी कोशिश लीग को ऊंचाइयों पर पहुँचाने की होगी। यहाँ पर काफी परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। साल 2023 की शुरुआत से सऊदी प्रो लीग सुर्खियों में बनी हुई है। पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो भारी भरकम राशि में क्लब से जुड़े, इसके बाद इस बार के ट्रांसफर विंडो में विश्व के कई सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों ने सऊदी प्रो लीग का रुख किया है। अब नेमार के आने से इस लीग की अहमियत और बढ़ गई है। लीग ने विश्व भर के फुटबॉल प्रेमियों को आकर्षित किया है। मौजूदा ट्रांसफर विंडो में विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के जुड़ने के बाद से सऊदी प्रो लीग काफी प्रतिस्पर्धी हो गई है। मुझे उम्मीद है कि हमारा क्लब शानदार अभियान चलाएगा और अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। मेरा मानना है कि प्रतिस्पर्धा काफी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए मैं इस लीग में शामिल हो रहा हूँ। जाहिर तौर पर ये एक अलग लीग है और एक नई चुनौती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये सब शुरू किया और सभी ने उनकी काफी आलोचना की। आज आप देख रहे हैं कि लीग कहां पहुंच गई है। नेमार अल हिलाल में अपने साथी खिलाड़ियों के साथ जल्दी से जल्दी जुड़कर उनके साथ तालमेल बनाने की बात कर रहे हैं। नेमार का मानना है कि उनकी कोशिश क्लब के फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरने की होगी। मेरा मानना है कि टीम में गुणवत्ता का होना महत्वपूर्ण है। जाहिर है कि ये आपके करियर के दौरान लिए गए कुछ निर्णयों में मदद करता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं क्लब के साथ सभी लक्ष्यों को हासिल करने और नए साथियों की मदद करते हुए एक
नई कहानी लिखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मेरा मानना है कि जब फुटबॉल की बात आती है तो मेरे अंदर अल हिलाल के प्रशंसकों जैसा ही जुनून है। मैं क्लब के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। जब भी मैं मैदान पर रहूंगा तो हमेशा इसी तरह रहूंगा। पिछले कुछ समय से नेमार पूरी तरह से लय में नजर नहीं रहे हैं। पीएसजी के लिए उनका हालिया समय अच्छा नहीं रहा था। ऐसे में वो सऊदी प्रो लीग में हर खिताब जीतने की बात कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य यहाँ पर हर खिताब को जीतना है। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, हम धीरे धीरे अपने प्रदर्शन को बेहतर करते जाएंगे। हर अभ्यास कैंप के बाद, हर मैच के बाद हम और बेहतर होते जाएंगे। अपना काम शुरू करने से पहले ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि हम जीतने जा रहे हैं। मैं जल्द से जल्द शुरुआत करने पर यकीन करता हूं। जाहिर है कि हमारा उद्देश्य चैंपियनशिप जीतना है और खिताब जीतना है। नेमार ने 2017 में बार्सिलोना को छोड़कर पीएसजी के साथ रिकॉर्ड 222 मिलियन यूरो में करार किया है। पीएसजी के लिए उन्होंने 173 मैचों में 118 गोल किए हैं। अब अल हिलाल को भी उनसे वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद है। अल हिलाल सऊदी अरब और एशिया का सबसे सफल क्लब है। उन्होंने अब तक रिकॉर्ड 66 खिताब अपने नाम किए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल आजकल के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।